मैं प्रवीण अहलावत हूँ, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। जज्जर के डायमंड चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं और शाम के 7 बज चुके हैं। पीछे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, आज भी आए हुए हैं और लगातार व्यापारियों से, छोटे दुकानदारों से मिल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जज्जर से वरिष्ठ पत्रकार संजय भाटिया जी हैं। मैंने कल के शो में कहा था भाटिया जी वो पत्रकार हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट रखते हैं, और भाटिया जी भी 2 बजे से आप देख रहे हैं, सारा नोट कर रहे हैं, तो उनसे जाने की कोशिश करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स है, आप लगातार सर ग्राउंड को कवर कर रहे हैं और आज हम भी आपसे ग्राउंड पे ही सारी चीज़ें वो पूछेंगे। इससे पहले भी प्रवीण जी मैंने आपको बताया था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से एक नई रणनीति के तहत चल रहे हैं, दुकानदारों के पास जा रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं 2 बजे इन्होंने अपना दौरा आरम्भ किया है और अब मेरे ख्याल 7 बजने का टाइम हो चुका है। तो अभी कुछ ही सीमित जगह जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुकानदारों से मिलकर बिताई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति इस बार क्या है। वो रणनीति धीरे धीरे अब सामने इसलिए आ रही है कि वो व्यक्तिगत रूप से दुकानदारों से परिचय करना चाहते हैं, अपनी बात उनके सामने तसल्ली से रखना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने ये भी देखा है कि कुछ दूसरे नंबर वाले जो नेता हैं उनसे कहना चाह रहे हैं कि आप जल्दी कीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, मैं अब आया हूँ तो शांति से दुकानदारों से मिल के जाऊँगा, उनकी बात सुन के जाऊँगा और अपनी बात कह के जाऊँगा। तो अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से अब 7 बजे का समय, कल भी मैंने बताया था कि जज्जर का छोटा बाजार है, जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन लोगों में उत्साह है। ये सब भ्रम टूट चुके हैं इस टाइम शहर के अंदर कि कांग्रेस पिछड़ रही है। लोगों का उत्साह, लोगों का एक उमंग है देखने के लिए, दीपेंद्र हुड्डा से बात करने के लिए माला लेने के लोग तैयार खड़े हैं, दुकानदार तैयार खड़े हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस का ग्राफ जो है वो होगा, कोई समय होगा जब कम था, लेकिन अब ये दूसरा दिन है दीपेंद्र के दौरे का, तो मैं कह रहा हूँ बड़ा लगातार बढ़ रहा है कांग्रेस का। और लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप दर्शकों के लिए ही हम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने पिछली बार बोला था सर कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए लोग बेहद उत्सुक हैं, और उसका नज़ारा दिख रहा है कि शायद इसी को देखते हुए दूसरा कार्यक्रम है वो रखा गया, इसी को मद्देनज़र रखते हुए। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए कि जाति पाति की हम बात करें, अच्छी बात नहीं होती। अभी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस बाज़ार के अंदर आ रहे हैं, मोस्टली यहाँ पंजाबी समुदाय की दुकानें हैं, तो मैं भी अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिन दुकानों के अंदर गए, उनके बाद मैं भी गया उन लोगों से बात करने के लिए। वो कह रहे हैं सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, सारी 36 बिरादरी के नेता हैं, किसी एक जाति के नेता नहीं हैं। तो प्रवीण जी, मेरा तो यही मानना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का व्यक्तिगत जो ये चल रहा है कार्यक्रम, इससे कई भ्रम जो है ना वो टूटेंगे। जो लोग विपक्ष के कई कहते थे सिर्फ एक ही जाति के नेता हैं, तो मैं अब हम जिस बाज़ार में खड़े हैं 90% दुकानें पंजाबी समुदाय की हैं, और आप देख रहे हैं पूरी दुकान अभी भी तक खुली हुई हैं, लोग माला लेके इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो क्या है, ये एक दिल है दीपेंद्र प्रति हुड्डा के प्रति, जो उनकी भावनाएँ हैं वो व्यक्त करना चाहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि इस दौरे के बाद काफ़ी भ्रम जो हैं लोगों के बेमतलब के फैलाए हुए थे वो टूटेंगे, लेकिन अब इस बात का जो मैं कह रहा हूँ, भाजपा के कुछ नेता इसका बुरा भी मानेंगे, लेकिन कड़वी सच्चाई जो है उन्हें आज ही आके देखना चाहिए। सुभाष गेट पे हम खड़े हैं, तो भाजपा के लोग भी यहाँ होंगे, तो वो भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से दुकानदार हैं दीपेंद्र का इंतज़ार कर रहे हैं। भाटिया जी, बीजेपी दबाव में होगी इस तरह के कार्यक्रमों से? मैं कह रहा हूँ मोस्ट बीजेपी का तो एक चल रहा है, ठीक है, मोदी ब्रांड चला हुआ है। स्थानीय स्तर पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बीजेपी का कोई ऐसा नेतृत्व, शहर की बात कर रहा हूँ, जज्जर शहर में ऐसा कोई लीडर नहीं है जहाँ पर कोई दुखी व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति जाके अपना दुखड़ा व्यक्त कर सके। तो लोग, चाहे वो बीजेपी की बेशक प्रदेश में सरकार है, यहाँ पे नगर परिषद में सरकार है, लेकिन लोग अपने आप को अनाथ कहते हैं, ये मैं कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ, मेरे साथ खड़े भी होंगे लोग, वो अपने आप को अनाथ इसलिए मानते हैं कि उनका कोई, क्योंकि बीजेपी के पास अभी 9.5 साल हो चुके हैं, कोई ऐसा लीडर उभर कर शहर के अंदर नहीं आया है जो लोगों के दुख दर्द में शामिल हो सके या उनके काम छोटे मोटे करवा सके। एक तीर से दो निशाने भी हो जाते हैं, गीता भुक्कल भी साथ में है, क्या आप मानते हैं कि साथ साथ असेंबली चुनाव भी इसी के साथ ही हुआ जा रहा है? अब प्रवीण जी देखिए, गीता भुक्कल के बारे में खाम खा का उनके बारे में भी भ्रम फैलाया जाता है, जबकि मेरा एक पत्रकार होने के नाते, देखिए हमारे व्यक्तिगत तो कई बार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सदन में जिस प्रकार से गीता भुक्कल बोलती हैं, जज्जर क्षेत्र की आवाज़ उठाती हैं, विपक्ष में होने के बाद धाड़ती हैं, तो देखिए उसका फ़र्क पड़ता है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर सदन की कार्रवाई भी आ जाती है, तो हम उसकी भी रिपोर्टिंग करते हैं। जब शहर के अंदर चर्चा करते हैं तो ऐसी हमें कोई भावना नहीं दिखाई नहीं देती लोगों के बीच में कि गीता भुक्कल का विशेषकर ग्राफ घट रहा है। दीपेंद्र जी का तो उठा उठा है, कांग्रेस का तो उठा उठा है, गीता भुक्कल का भी कोई ग्राफ ऐसा नहीं है कि उसको हम नीचे के स्तर पर मान सके। सशक्त लीडर हैं वो भी शहर के अंदर, और दीपेंद्र जी के इस दौरे के बाद तो स्वाभाविक है कि दोनों नेताओं को और विशेषकर कांग्रेस को लाभ होगा।
नायब सिंह सैनी का कल आप कवर कर रहे थे, वो आए हुए थे और आपने अरविंद शर्मा की टिकट का भी पूछा था, शायद माकूल जवाब है वो नहीं दे पाए, तो दबाव है, असमंजस अभी भी बना हुआ है, किसे लड़ाएंगे, क्या ये विकास में पिछड़ जाने के कारण ये दबाव बना हुआ है? बस प्रवीण जी, बात फिर वही आ रही है कि हम जो शब्द पत्रकार, आजकल है ना पत्रकारों पर आरोप लगाना बड़ा आसान हो चुका है कि हम जिसका भी कोई नेगेटिव दिखाएंगे तो वो कहेंगे भाई दूसरी पार्टी ने पैसा दिया होगा या उस पार्टी का होगा, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है विकास के नाम पर बीजेपी के लोगों के पास झज्जर शहर में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और रही बात, हमने भी कल पूछा था कि क्या डॉक्टर साहब दोबारा से प्रत्याशी होंगे, तो उसका भी धनखड़ साहब ने भी गोल मोल जवाब दिया और नायब सैनी ने भी गोल मोल जवाब दिया, जबकि साथ में खड़े हुए थे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, वो भी एक फीकी हंसी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अब आम धारणा झज्जर में ये बन चुकी है कि अगर टिकट देनी होती है, अगर दूसरी पहली बार अच्छे मार्जिन से तो नहीं लेकिन जीते थे एक सशक्त उम्मीदवार को हरा कर, उस हिसाब से तो उनकी टिकट बनती थी, लेकिन अब तक उनकी टिकट डिक्लेयर न होना कहीं ना कहीं बीजेपी को असमंजस की स्थिति में तो है कि दीपेंद्र हुड्डा के, क्यों आज इस स्थिति में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो उससे ही अंदाज़ा लगा सकता है कि उनके बराबर का, उनके लेवल का कोई नेता इस समय बीजेपी के पास रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया और समय समय पर आपका अनुभव है वो काम आता रहे, धन्यवाद। प्रवीण जी, संजय भाटिया थे वरिष्ठ पत्रकार और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं बिल्कुल ग्राउंड से, आज हम आपको दिखा रहे हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार संजय भाटिया बता रहे थे कि बेहद क्रेज चल रहा है, इधर दही बल्ले हैं या गोलगप्पे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और अभी जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार हमारे संजय भाटिया जी बता रहे थे, भाजपा बेहद दबाव में है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस प्रोग्राम के बाद है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। कल नायब सिंह सैनी भी आए हुए थे, वो भी कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए कि भाजपा का प्रत्याशी है तो आखिरकार कौन है। ये देखिए कुल्फी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खिलाई जा रही है, झज्जर की बेहद मशहूर कुल्फी यहाँ पर है, और कुल्फी खाने से पहले हालचाल पूछ रहे हैं और उस बाबत दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि विकास को लेकर हमारा जो इलाका था वो पिछड़ा हुआ है, और ये बात की बार ग्राउंड पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी तरीके से उतार के रख दी है। ये चुनाव विकास पे होगा और विकास की जब बात आएगी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काम देखे जाएंगे और दूसरी तरफ भाजपा के काम है वो देखे जाएंगे, उसमें भाजपा थोड़ी बहुत नहीं काफी पिछड़ती हुई है वो झज्जर में नजर आएगी। धन्यवाद।